दरअसल हमने शैलजा की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई थी। आपने जिस पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी वहीं से हमें पता चला, पर हमने आपको इन्फॉर्म किया। लेकिन उसकी ये हालत की किसने? ये जानने के लिए हमने आप पुलिस स्टेशन बुलाया है, क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए। शैलजा के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दोनों के पास में, प्लीज हमारे साथ में शेयर करिए। बाइपोलर डिसऑर्डर है उसे, उसका इलाज भी चल रहा था। पर पागल नहीं थी वो, बहुत ही समझदार और होशियार है, लेकिन इस बीमारी के चलते छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था उसे। और सर, अपने जो आखिरी दिन हमारे साथ उसने बिताए, अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। अच्छा जी, एंड एनीवेज मुझे ज्यादा कवर अप करके मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें मैं बुद्ध हुई दिखती हूँ, है ना? हाँ बच्चू, कल मिलते हैं ना, तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मेरी टाका चाकी कर रही हैं? क्यों मॉम, मैं आपको कोई क्रिमिनल दिखती हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हारे कमरे का दरवाजा कभी बंद ही नहीं रहता है, तो मैंने सोचा पूछूं कि किसका फोन है। लेकिन क्यों? मेरा कमरा, मेरा दरवाजा, मैं बंद रखूं या खुला रखूं, ये मेरी मर्जी है। ऊपर से मैं कोई बच्ची नहीं हूं मॉम कि आपको सब कुछ बताऊं मैं किससे बात कर रही हूं, क्या बात कर रही हूं। ओह गॉड, उसके कुछ ही दिनों बाद घर में रखा सारा पैसा जेवर लेकर ना जाने वो कहां चली गई। यानी कि भाग गई। इस स्केच को ध्यान से देखिए, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ में शैलजा भागी? नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। ध्यान से देखिए, हम इसे नहीं जानते, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहां गई थी। आपकी बेटी ये दवाइयां खा रही थी, अपने इलाज के लिए यही दवाइयां खाती थी वो? ये वो दवाइयां नहीं। कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया हमारी बेटी ने, ना ही कभी कोई दुश्मन रहा उसका, फिर ये। शैलजा पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में आगे बढ़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट, या फिर ये कहें कि जिस पर शैलजा की इस हालत को लेकर शक किया जा सकता था, वो आज से 3 साल पहले मर चुका था। इस केस की फाइल रोज दर्ज होते नए गुनाहों की फाइलों के नीचे दबती जा रही थी, और शायद हमेशा के लिए वहीं दबी रह जाती अगर इस घटना के 6 महीने के बाद इससे मिलता जुलता एक और हादसा ना हुआ होता। तुम जाती हो यहां से कि पुलिस को बुलाओ? साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब। तुम ऐसे नहीं बोलोगी, रुको। मैं झूठ नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, सब पता लग जाएगा। जाने दीजिए ना भैया, अगर इसने पैसे खर्च कर दिए तो पुलिस को बुलाने से वापस नहीं मिल जाएगा हमें। पर आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ है, प्लीज इसे और मत बढ़ाइए। ठीक है, और तुम इस एरिया में नजर आई ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, मैं देखती हूँ, तो जाना। आंटी जी, ज्योति है घर पर? नहीं, बिजी है वो, शादी है उसकी। हमारा भी कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। ये मैंने मेरे भाई के घर से चुराए हैं, ये वो पैसे हैं जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी के लिए रखे थे, मेरे पास तो मैं देने के लिए पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज वो फोटोग्राफ्स मुझे वापस कर दो। बहुत मुश्किल है, ये
कि जिस खानदान से मैं आता हूँ ना, वहाँ जुबान से ज्यादा जान की कीमत होती है। किस तरह के इंसान हो तुम? पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी रॉयल फैमिली। प्लीज प्लीज तरस खाओ मुझ पर, मेरी बेटी पर। वो फोटोग्राफ्स वापस कर दो मुझे। लेकिन ये क्या, सिर्फ 20,000? मैंने तुमसे 1,00,000 कहा था ना। खैर कोई बात, अगले वीक तक पूरे पैसों का इंतजाम कर लेना, और अगर इंतजाम नहीं कर पाए तो याद करना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। गेट लॉस्ट, जाओ। भैया, वो मैं गांव की जमीन बेचना चाहती हूँ। क्यों? हाँ, वो जमीन हम दोनों के नाम पर है, उसमें से मैं अपना हिस्सा बेचना चाहती हूँ। लेकिन किस लिए? हाँ, कोई जरूरत है पैसों की? सारा खर्चा उठा तो रहा हूँ, ज्योति की शादी भी करवा रहा हूँ, उसके लिए तो बैंक से लोन भी लिया है। अगर तुम्हें कोई शादी में कमी नजर आ रही है तो बताओ। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती आपके ऊपर। बोझ? तुम्हारे पति के मरने के बाद से जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तुम दोनों की। आई एम सॉरी भैया, मैं वो जमीन बेच कर रहूंगी। सॉरी। ज्योति, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, लोग तुम्हें इस जैसे लड़के से बात करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मम्मा, इस जैसे लड़के से मतलब? हम लोग जब से यहाँ रहने आए हैं तब से अशोक को जानते हैं, और ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय? बहुत समझ है ना तुम्हें गुड और बैड की। मैं कह रही हूँ घर जाओ। मम्मा, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रही हूँ ना, घर जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे उससे बात करने की? क्यों इतना डर रहे हो आंटी? मैंने आपको बताया तो था मेरा कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ, दूर का। ज्यादा परेशान मत हो आप। बस बंद करो अपनी और औकात में रहो, समझे तुम? तो क्या करूं, मुझसे अब और रहा नहीं जाता आंटी। मम्मी पापा गए हैं बैंगलोर, तो आज रात आ जाइए ना। एक मिनट, कुछ है मेरे पास? नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा, बस आप आ जाना आज रात, ठीक है आंटी? ओके, सी यू आंटी। हे भगवान, बस अब ज्योति की शादी अच्छे से करा देना। अरे आप रो रही हो? अभी रोने का वक्त थोड़ी है, अभी तो ज्योति की विदाई होगी, तब भी तो रोना है ना? जब मैं आऊंगा दूल्हा बन के, है ना, तब। अभी नहीं, नहीं। अरे छोड़ दो मुझे। रोक, छोड़, रोक, छोड़, रोक। माला, सुनिए,
आंटी मैं बताता हूँ मैं क्या करता। जब उसकी बेटी ये फोटो देखेगी ना, माला को दो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। एक था अशोक जो उसके राज को राज रखने की कीमत उसका शारीरिक शोषण करके वसूल कर रहा था, और दूसरा था वो रहस्यमय इंसान जिसकी पहचान अब पुलिस के सामने आ चुकी थी। क्या ये इंसान सुरेंद्र ही था? और अगर हाँ तो वो ऐसा क्यों कर रहा था और कहाँ था? और अगर ये सुरेंद्र नहीं था तो फिर कौन था? और क्या उसके हाथों मजबूर होकर माला का उठाया गया कदम सही था? काश के माला ने खुदकुशी करने की बजाय पुलिस के पास जाने का फैसला किया होता तो आज ना सिर्फ माला जिंदा होती बल्कि ये मुजरिम भी पुलिस की गिरफ्त में होता। माला का किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, घर में या घर के बाहर कहीं? कुछ दिनों पहले बहस हुई थी जी हम दोनों के बीच में। दरअसल एक जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको लेकर वो अपना हिस्सा बेचना चाहती थी और मैं उसके खिलाफ था जी। क्यों बेचना चाहती थी वो उस प्रॉपर्टी को? क्या पैसों की जरूरत थी ना? यही बात तो मैंने भी पूछी थी लेकिन उसने कुछ साफ साफ बताया नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी भांजी ज्योति की शादी थी जी, सारा खर्चा मैं ही उठा रहा था, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी मैंने लिया। फिर माला को पैसों की क्या जरूरत थी? उस रात आखिर हुआ क्या था? माला कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? क्या हुआ, तुम बोलती क्यों नहीं? माला तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मुझे माफ कर देना, ज्योति को भी कहना कि अपनी माँ को माफ कर दे। पर क्या हुआ? उससे कहना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। माला 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 पता नहीं सर ऐसी क्या बात थी कि उसने मेरी आंखों के सामने। पिछले कुछ दिनों से माँ बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, वो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती थी और उस दिन अशोक से सिर्फ बात करने पर वो मुझ पर इतना नाराज हो गई। पता नहीं सर वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये तो शोर है सर कि माला आंटी को कुछ तो हुआ था। जब से ज्योति की शादी तय हुई है पता नहीं क्यों मैं जब भी ज्योति को देखता था या फिर स्माइल भी करता तो माला आंटी ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और उनकी शादी तोड़वा दूंगा, जबकि मैं तो ज्योति को अपनी सिस्टर मानता हूँ। सर साहब मैंने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी मुझे काम से निकाल दिया। कमला मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी दूसरा काम दिलवाने में। मैडम अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर साहब को बोलिए ना, कितनी पुरानी हूँ मैं यहाँ पर, अगर किसी को भी कुछ भी पता चल गया तो मेरा नाम पूरा मोहल्ले में खराब हो जाएगा। मैडम मैंने कहा ना मैं दिलवाऊंगी तुम्हें दूसरा काम, यकीन करो मुझ पर। पर मैडम पर प्लीज प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मुझे नहीं पता साहब, जब माला मैडम को पता था कि मैंने पैसे चुराया ही नहीं तो फिर उन्होंने रंजीत साहब को क्यों नहीं बोले? तो ये तो सिंपल था सुसाइड केस। माला के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था या हो चुका था जिसके वजह से वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। और दूसरी खास बात, माला का अपने भाई रंजीत से प्रॉपर्टी बेचने को लेकर लड़ना जबकि उसकी बेटी की शादी का सारा खर्चा वो उठा रहा था। सर माला ने अपने नौकरानी को ये बताया था कि वो जानती है उसने चोरी नहीं की, लेकिन जब रंजीत ने नौकरानी को काम से निकाला उसने उसका विरोध तक नहीं किया। इससे तो एक ही कहानी निकल कर आती है,
कि माला को किसी खास रीजन से पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम लगा नौकरानी पर। और शायद उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। उसने अपने भाई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा, भाई नहीं माना तो उसने सुसाइड कर लिया। इस कहानी की आखिरी कड़ी उस जगह से जुड़ी हो सकती है जहां खुदकुशी से पहले माला सबसे छिप कर गई थी। एक काम करो, माला के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर। सर, माला के कॉल रिकॉर्ड्स को स्कैन किया तो पता चला इसमें सारे नंबर या तो रिश्तेदारों के या किसी करीबी, सिवाय इन दो नंबर से। सर, ये जो पहला नंबर है इसका माला के साथ डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन है नहीं, मगर हर हफ्ते इस नंबर से फोन जरूर आता था पर अब ये नंबर स्विच्ड ऑफ। और दूसरा? सर, दूसरा नंबर अशोक का है। एक काम करो, इस लड़के अशोक को बुलाओ और ये नंबर चेक करो दूसरा किसका है। सर, सर मेरी क्लास है सर, क्लास जाना है सर। सर लेकिन हुआ क्या सर? सर हुआ क्या तो बताइए सर। अरे सर क्लास जाना है सर। माला आंटी को कंप्यूटर सीखना था सर, तो मिलने का टाइम डिसाइड करना था, मैंने मैसेज किया था सर। अच्छा, वैसे किस रॉयल फैमिली से हो? वो तो सर हमारे बीच का मजाक था सर। माला आंटी जब भी मुझे देखती थी तो कहती थी कि तुम रॉयल फैमिली के दिखते हो, तो मैं भी कभी मैसेज कर देता था सर। बेवकूफ दिखाई देता हूँ, यहाँ सब बेवकूफ है ना, तो उन मैसेजेस की भाषा मजाकिया है और ना ही उनका कंप्यूटर ट्यूशन से कोई कनेक्शन दिखाई देता है। उन्हें पढ़कर साफ समझ में आता है या तो वो किसी को धमकी देने के लिए या डराने के लिए भेजे गए हैं। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो, इसका मोबाइल लो, साइबर सेल भेजो, देखें क्या निकलता है। नाएदर, नाएदर। सर आप चेक कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं सर इसमें। देखते हैं, एक काम करो इसको बाहर बैठाओ और जब तक परमिशन ना दूं वहां से हिलना मत। सर आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते सर मेरे साथ। ये सवाल है या इन्फॉर्मेशन? दोनों ही कंडीशन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो हमारे साथ कोऑपरेट करो नहीं तो शक के बिना पर गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। बात समझ में आई? लेके जाओ इसको, नजर रखना इस पे। तो अच्छा सुनो, इस अशोक के घर वालों को बुलाओ, इसे सामने बिठाकर उन्हें बताओ इसके और माला के अफेयर के बारे में। इसके अलावा इसके प्रिंसिपल को बुलाओ, इसके खास दोस्तों को बुलाओ, सबको बुलाओ। तो लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ये बात बाहर निकलेगी और अगर ये बात फैल गई तो इसे कॉलेज से रेस्टिकेट भी कर सकते हैं। इसके साथ आगे क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत की मौत हुई है मौत, और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए अगर मुझे इस जैसे दो तीन लोगों को यूज भी करना पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फोन लगाओ। सर बात हो गई मेरी साइबर सेल से, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद लॉकअप, फिर जेल, मत बताओ। सर सर प्लीज सर, मैंने माला आंटी को नहीं मारा सर, सर प्लीज मुझे जाने दो। एक बार सर मैं ट्यूशन से घर जा रहा था, देख लेगा यार। मैथ्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है यार। मैथ्स हमें तो मिस्टर प्रोफेसर सिन्हा है ना वो पढ़ाते थे और वो इतने फनी हैं, बिलीव मी। हाँ भैया जरा इधर आओ। आई और वो पढ़ाते पढ़ाते बस पता अच्छा, नहीं क्या अच्छा भैया वो मैथ्स के नोट्स है तुम्हारे पास, मिलेंगे क्या? हाँ मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। रणबीर नाम के आदमी से चैट करती थी सर,
और मुझे याद है उसने लिखा था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। सर वीडियो थी सर, घर पे चुपचाप बैठना चाहिए ना, क्या ज़रूरत है बाहर जाके अफेयर करने की। और जब कर ही रही थी सर तो मैंने भी ट्राई कर लिया, इसमें बुरा क्या है। और सर सुसाइड उसने किया, मेरी क्या गलती है उसमें। नहीं तुम्हारी क्या गलती, तुम तो मासूम हो है ना। अब तक तो मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ ब्लैकमेलिंग का चार्ज लगाने वाला था, लेकिन अब इसके साथ साथ आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने की कोशिश करने का चार्ज भी लगेगा। और जब कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गलती क्या थी। लेके जा उसको। अशोक के फोन से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर कर लिया गया है, फोटोग्राफ्स मैसेजेस चैट्स सब इस फोन में ट्रांसफर कर लिए। ये क्या है? ये देखो, ये इस ब्रेसलेट पे एक निशान बना हुआ है। आजकल ये बनता नहीं है सर, हाथ की बहुत ही उम्दा कारीगरी है ये। और ये जो निशान है ये राजस्थान के जालौर के राजघराने का निशान है। जालौर राजघराना? राइट सर। जिस अकाउंट के साथ माला चैट किया करती थी उसने भी लिखा था कि वो किसी राजघराने को बिलोंग करता है। सर उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है और उससे रिलेटेड सारी कंप्यूटर फुटप्रिंट्स भी डिलीट कर दी गई। उस अकाउंट को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। और सर जो दूसरा नंबर था जिससे माला को हर हफ्ते फ़ोन आया करता था वो भी नंबर ट्रेस कर लिया गया है। वो नंबर नोएडा के किसी शशि मारवा का है। इस मारवा को बुलाओ, इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सुसाइड से। सर जी सर ये मेरा ही नंबर है जिसका बिल मेरे मोबाइल यूजेज से कई ज़्यादा आ रहा था। सर इस मामले में मेरी मोबाइल कंपनी के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है। सर जब मैंने आइटमाइज बिल चेक किया तब उसमें मैंने कई सारे ऐसे नंबर्स देखे जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं और ना ही कभी मेरी उनसे बात हुई है। ये कैसे हो सकता है? सर मैं भी यही सोच रहा था लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब पॉसिबल है। सर जिस तरह कोई हैकर किसी कंप्यूटर या ईमेल अकाउंट को हैक कर सकता है उसी तरह एक सिम का क्लोन बनाकर भी हैक किया जा सकता है। यानी आप माला नाम की किसी महिला को नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है मिस्टर मारवा आप जा सकते हैं मगर आपकी फिर से जरूरत पड़े तो फिर आपको आना पड़ेगा। जी सर श्योर थैंक यू। इस आदमी पे नजर रखो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है और वो है अशोक के मोबाइल से रिकवर की गई रणबीर की फोटो। फोटोग्राफ तो ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन सुरेंद्र की मौत तो आज से तकरीबन 3 साल पहले हो चुकी है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेंद्र? इसका नाम सुरेंद्र है और अब से कोई 6 महीने पहले मुंबई पुलिस भी किसी केस के सिलसिले में इसे यहाँ तलाश करने आई। देखिए इंस्पेक्टर साहब हर पोजीशन इज वेरी क्रिटिकल। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयाँ ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी। कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयाँ दे रहा है? पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है असल में वो था ही नहीं। सर ये जालौर राजघराने की अंगूठी है। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे तभी इसकी मौत की खबर आई। हम अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाए हैं कि ये सुरेंद्र ही है और जिंदा है या फिर उसके जैसे दिखने वाला कोई और। ओके थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर थैंक यू। आखिर ये आदमी है कौन? इसने पहले मुंबई में क्राइम किया फिर दिल्ली में और दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हुए हैं। जालौर के राजघराने की निशानी का इस्तेमाल करता है और अपने से मिलने वाली महिलाओं के सामने खुद को राजघराने का सदस्य बताता है। इसकी शक्ल के अलावा ये वो दूसरी बातें हैं जो मुंबई और दिल्ली के मामलों को कनेक्ट करते हैं। पता लगाना होगा कि शैलजा के साथ किया क्या था इसने। मुंबई की शैलजा के केस की तरह दिल्ली की माला के केस के तार भी राजस्थान के जालौर से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन जालौर का सुरेंद्र जिस पर इन दोनों मामलों में दोषी होने का शक किया जा रहा था वो 3 साल पहले मर चुका था। तो फिर क्या मुजरिम कोई और ही था? इस मुजरिम की असली पहचान भले ही अब तक ना हो पाई हो लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि वो जो कोई भी था बहुत ही होशियार और शातिर था। इतना शातिर कि इसने माला से बात करने के लिए भी अपना नहीं बल्कि किसी अजनबी के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था उसका क्लोन बनाकर। और माला की मौत के तुरंत बाद उसने इंटरनेट और उस चैटिंग साइट से वो सारे क्लू मिटा दिए जिसके सहारे पुलिस उस तक पहुंच सकती थी या फिर पहुंचने की कोशिश कर सकती थी। ये कोई साधारण मुजरिम नहीं था
इसलिए इसे पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी तहकीकात में इस्तेमाल किए गए आम तरीकों से कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, थैंक यू। सर मुंबई पुलिस से कुछ पता चला? बहुत कुछ। ये आदमी पहले औरतों को अपने प्यार का यकीन दिलाता है, उनका इस्तेमाल करता है, फिर उन्हें छोड़कर दूसरे किसी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। दिल्ली की माला से पहले इसने मुंबई की शैलजा को अपना शिकार बनाया और अब पक्का ये किसी दूसरे शिकार की तलाश में हो। इससे पहले कि ये किसी और मासूम जिंदगी के साथ खेले, हमें इसे रोकना है। लेकिन सर हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या लीड नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में दो खास बातें जानते हैं। पहली ये कि वो चैटिंग साइट्स के जरिए अपने शिकार को चुनता है, जैसा इसने माला के साथ किया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी फोटोग्राफ। इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि इसने अभी तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की औरतों को ही अपना शिकार बनाया। शायद इस बार भी ये ऐसे ही किसी बड़े शहर को चुने। एक काम करो, सुरेंद्र, रणबीर, जो भी इसका नाम है, इसकी फोटोग्राफ को एनलार्ज करवाकर इंडिया की सभी मेट्रो सिटीज की पुलिस को भेजो और उनसे कहो कि अपने शहर के हर थाने के साथ इसकी फोटोग्राफ शेयर करें। सर, इंटरनेट पर प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपनी पहचान बदलकर लोगों को गुमराह कर सकता है, उनका विश्वास जीतकर उनका फायदा उठा सकता है, उन्हें अपना शिकार बना सकता है। यही सुरेंद्र ने माला के साथ किया था और अब पुलिस उसकी इसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही थी। युवा और सुंदर दिखने वाली महिला पुलिस ऑफिसर्स के झूठे प्रोफाइल्स बनाकर उन्हें अलग अलग चैटिंग साइट्स पर एक्टिव कर पुलिस ने सुरेंद्र के सामने दाना डाल दिया था, या फिर यूं कहिए कि अंधेरे में एक तीर चला दिया था जिसके निशाने पर लगने और ना लगने की संभावनाएं बराबर की थी। और साथ ही पुलिस को बेसब्री से इंतजार था शैलजा के होश में आने का, ताकि अगर उनका ये तीर निशाने से चूक जाए तो वो शैलजा की मदद से इस शातिर मुजरिम तक पहुंच सके। और तभी एक दिन डॉक्टर, क्या हुआ शैलजा? शायद आपकी दुआओं का नतीजा है जो आपकी बेटी कोमा से बाहर आ गई। शी इज आउट ऑफ कोमा। सर, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है पुणे से, ये देखिए। प्रोफाइल में नाम जयंत बता रहा है, इसकी बाकी की डिटेल्स हमारे टारगेट से काफी मैच करती है सर। गुड, चैटिंग शुरू करो, मगर कोई जल्दबाजी मत करना। जरा भी उतावलापन नजर आ गया तो उसे शक हो सकता है। बहुत होशियार है। ओके सर, शुरू करो। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस बात का लगभग यकीन था कि इस महिला पुलिस अधिकारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला और उससे चैटिंग करने वाला सुरेंद्र ही है, लेकिन पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। और अब सुरेंद्र की ये तलाश 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बन चुका था। इंतजार था तो सुरेंद्र की तरफ से पहल का, जो कि उसने की। This is for you. आपके लिए किसी ने भेजा है। Wow, thank you so much. लेकिन जिसने ये भेजा है वो खुद नहीं आए। मैम actually उन्होंने ये नोट भेजा आपके लिए। मैं आई? Sure. अपनी प्रोफाइल से भी कहीं ज्यादा प्यारी हैं आप। I hope कि मैं आपको disappoint नहीं करूंगा। मैम, can I serve? Sure.
My sincere apology. आपको इंतजार कराने के लिए. No problem. Garlic bread with cream. Would you like to have anything more? No, thank you. The previous order. Cheers. Cheers. वैसे खाने को लेके आपकी चॉइस बहुत ही रिफाइंड है, बिल्कुल इस शैंपेन की तरह. खाना हो या जिंदगी, मुझे सिर्फ बेस्ट चीजें ही पसंद आती हैं. वैसे मुझे लगता है लाइफ में इंसान को कभी समझौते नहीं करने चाहिए. करें, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है. सो आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं. लेडीज फर्स्ट. अगर मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी तो आके जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और इस डेट का सारा मजा चला जाएगा. सो शैल आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट? काफी इंटरेस्टिंग है. चलिए ठीक है, मुझसे ही शुरुआत करते हैं. नाम तो जानती हैं आप. इसके सिवा मैं राजस्थान के एक रॉयल फैमिली से हूँ. वैसे उनकी सोच काफ़ी पिछड़ी थी, इसलिए मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया और यहाँ पुणे में शिफ्ट हो गया. वैसे यू नो व्हाट, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, बट आपसे मिलकर मुझे लगा नहीं कि ये हमारी पहली मुलाकात है ना? इट मीन्स हमारी सोच के साथ साथ हमारी फीलिंग्स भी बहुत मिलती है. तो हम फिर मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल. लेकिन किसी ऐसी जगह जहां ज्यादा लोग ना हो, सिर्फ हम. व्हाट से? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अकेले मिलने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए. करेक्ट? तो चलिए आपके नाम से शुरू करते हैं. आपका नाम? जयंत, रणबीर, मधुर या सुरेन? कौन है आप लोग? पुलिस. तेरा असली नाम तो पुलिस स्टेशन जाके बताएगा. चल चल चल. देखिए देखिए, मैंने कहा ना, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे आप लोग. हम जानते हैं. तो जाने दीजिए मुझे. ऐसे कैसे जाने दें मिस्टर सुरेंद्र, या जो भी नाम है आपका. इस वक्त हमारे साथ कोई है जो आपके जुर्म को साबित कर देगा. मिलना चाहेंगे? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता. यही है वो. क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? मैं मार दूँगी तुझे, मार दूँगी तुझे, मैं तेरी जान बर्बाद कर. क्यों किया यही वो औरत है ना जिसको तूने गलत दवाइयाँ दी, जिस पर तूने अटैक किया, यही औरत है ना? अब इसको जिंदा देख के हैरान क्यों है? चल बता. बता! मैं राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मरकर राजा की जिंदगी तो जी सकता था, इसलिए मैंने एक प्लानिंग बनाई. अपनी कार को खाई में फेंक दी और सारे गहने लेकर के वहां से भाग गया. फिर शैलजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया. उसे सारे पैसे लिए और हमेशा दवाइयों के ओवरडोज देता रहा ताकि मेरे पीछे कोई सबूत ना रहे. लेकिन एक दिन उसने मुझे देख लिया. हाँ बस थोड़ा ही दूर हो रहा है, पहुंच जाएंगे. माधव दरवाजा खोलो. शैलजा मेरे लिए खतरा बन चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ट्रेस मेरे पीछे छूटे, इसलिए उसकी मौत को एक्सीडेंटल दिखाने का प्लान बनाकर मैं उसके घर पहुंचा.
कहते थे कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन पता है, मैंने सबको बोला कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। और देखो, देखो आप आ गए ना। अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरा पति आ गया। आप देखो, सबको बताती हूँ। बहुत बोल रही थी ना उस दिन वो। देखना, आप जाके सबको बताऊंगी, तब सबको यकीन आएगा। उस दिन तो वो बड़ा बोल रही थी, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। बहुत बोल रही थी ना उस दिन, पागल बोल रही थी, पता है मुझे। मैं शैलजा की चीख सुनकर के डर गया था। मुझे लगा मैंने उसे मार दिया है, और फिर मैं वहां से भाग गया। और माला? मैं और माला एक ऑनलाइन चैटिंग साइट पर मिले थे। ठीक वैसे जैसे तुम शैलजा से मिले थे। जिस तरह तुमने शैलजा का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह तुमने माला का भी इस्तेमाल किया, उसे ब्लैकमेल भी किया। हाँ, ये देखो कितना अच्छा पोर्टफोलियो है तुम्हारा। सेक्सी ना? मुझे अपने लिए नहीं, फोटोग्राफर के लिए चाहिए। वो क्या है ना कि इतनी अच्छी फोटोज जो खींची है, देखो देखो, तुम खुद देखो, लवली देखो, तुम कितनी क्लोज हो मेरे से। और ये वाला, इसमें तो बिल्कुल सिर्फ पैसों की कमी को पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था मैं, जो ये औरतें मुझे दिला सकती थी, बस इसलिए। और ये सब तुमने पैसों के लिए किया ना? कहाँ हैं पैसे? कहाँ हैं? कहाँ हैं? आखिरकार तीन अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान पुलिस के आपसी सहयोग और उनकी महीनों की मेहनत के बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। शैलजा की जान बच गई, लेकिन माला को नहीं बचाया जा सका। लेकिन सुरेंद्र की गिरफ्तारी से उन कई महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया गया जो सुरेंद्र के आजाद रहने से उसका शिकार बन सकती थी। और सोशल नेटवर्किंग के इस युग में तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी के करीब जाने और किसी को अपने करीब आने देने में थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि ये वो माध्यम है जहां पर आप उतना ही देख सकते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। ये कहानी सबक है उन सभी लोगों के लिए जो बिना तथ्यों की जांच परख के किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, दूसरों को धोखा देने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। यहां पर कोई भी अपनी असली छवि से अलग एक दूसरी ही छवि गढ़ सकता है। ऐसे में दिमाग का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ दिल के कहने पर चलना और किसी भी तरह का संबंध जोड़ने में जल्दबाजी दिखाना खतरनाक साबित हो सकता है, और कई मामलों में जानलेवा भी। इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी असली पहचान और उससे जुड़े तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।